नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड पॉइंट था एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको अल्फा से लिखते हैं हम, अल्फा। ओके तो लिख लीजिए क्या होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? सिंपल है भाई, द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यस और नो? तो लिख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या थी क्लास? ओमेगा, यस है डी ओमेगा बाई डी टी, इट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होंगी अल्फा की? यूनिट ऑफ अल्फा, व्हाट इज यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? ये था रेडियन पर सेकंड बाय सेकंड बाई, यस और नो? तो क्या यूनिट बनी है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सही लिखा है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? हमें निकालते हैं डायमेंशन फार्मूला। क्या होता भाई ओमेगा का, कुछ याद है? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन बाई टी टी वन टाइम के लिए, सही लिखा है कि नहीं लिखा? यस सर ना? तो कितना आंसर होगा? एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, टी माइनस टू इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। कर लोगे? यस सर ना? अब इनमें करना है रिलेशन भाई, किसके बीच में? जो हमने ए पढ़ा हुआ हरी अल्फा में रिलेशन क्या है, तो ये क्या था? ये था लीनियर एक्सेलरेशन भी। क्या था ये? लीनियर एक्सेलरेशन, याद है कि नहीं है? ठीक है, व्हाट इज ओमेगा भी? लास्ट टाइम हमने ओमेगा के बारे में पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू, इसको वी बाई आर ले सकता हूँ, चेक करो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर लास्ट रिलेशन में देख लो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन दिस इक्वेशन, व्हाट इज अल्फा? डी ओमेगा बाई डी टी, तो व्हाट इज ओमेगा भाई? डी बाई डी टी, ओमेगा है वी बाई आर, यस और नो? आर तो रेडियस है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू वन बाई आर डी वी बाई डी टी, सही लिखा है, डी वी बाई डी टी, सही है कि नहीं है? डी वी बाई डी टी क्या होता है? ये सिंपल एक्सेलरेशन है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कौन से वाला? लीनियर। तो व्हाट इज अल्फा? इट इज वन बाई आर इंटू ए, वन बाई आर इंटू ए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए भाई? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, यस और नो? ए इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड ए लीनियर एक्सेलरेशन। कर पाओगे? इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम। बॉडी घूम रही हैं, चल रही हैं, वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन भी तो होंगी, ठीक है? तो सिंपल मैंने पढ़ी हुई तीन इक्वेशन पढ़ी हुई, याद हैं तीन इक्वेशन आपको? कौन कौन सी थी? वी सिंपल वाली जो हमने पढ़ी थी, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकेंड वाली वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस, यस और नो? थर्ड वाली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये इक्वेशन थी किसमें? लीनियर सिस्टम के अंदर भी, जब बॉडी किसमें चल रही थी? स्ट्रेट लाइन में चल रही थी बॉडी, यस और नो? अब हमें करना कि बॉडी घूम रही है भाई, रोटेशनल सिस्टम में काम कर रही है, तो कैसे इक्वेशन हो सकती है आपके अकॉर्डिंग भी? देखो यहाँ पे बना रहा हूँ भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी रोटेशनल की? v वहाँ पे क्या था? फाइनल वेलोसिटी। u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या था? एक्सेलरेशन। t क्या था? टाइम। s क्या था? डिस्प्लेसमेंट। सारी चीज़ पता भी है यहाँ पे।
हमारी वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा होती है। दो वेलोसिटी हैं यहाँ पे, फाइनल और इनिशियल हम बना लेते हैं। फाइनल कौन सी? ओमेगा। इनिशियल कौन सी? ओमेगा नॉट। यस और नो? इक्वल टू अल्फा टी। यस और नो? इसके अकॉर्डिंग दूसरी वाली इक्वेशन क्या बनेगी? ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इक्वल टू टू अल्फा। ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी, क्या डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर थीटा भाई। यस और नो? व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? थीटा तो होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थर्ड वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस क्या है हमारे यहाँ पे? थीटा है। इज इक्वल टू व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना लिया है? ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट लिया है इंटू टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वेयर। यस आर नो क्लास? दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम। भी कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ नोटेशन चेंज किया मैंने उनकी अकॉर्डिंग टू रोटेशनल सिस्टम। भी समझ में आया? यस सर। तो प्रूव करते हैं भाई किसको? इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम। पहली इक्वेशन क्या बनाई थी हम लोगों ने? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। यही थी क्या? इसको प्रूव करेंगे। इसमें क्या क्या आया हुआ है? वेलोसिटी आई हुई है और एक्सेलरेशन आया हुआ है, ठीक है? तो इसमें लिखो हुई, इसको प्रूव करने के लिए लिखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन इज, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? बी क्लास अल्फा होता है। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अभी किया था डी ओमेगा बाई डी टी, यही होता है कि नहीं होता? yes, तो इसकी ऐसे लिख सकता हूँ, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। गुणा कर ली इस तरफ, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। यस और नो? मैं मान लेता हूँ, देखिए व्हेन टाइम जब जीरो था भाई, व्हेन टी इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? भी जीरो नहीं थी, इनिशियल थी, इट इज ओमेगा नॉट। कर लोगे? जब टाइम कुछ हो गया होगा टी, ये टाइम को दिखा रहा है, इसकी वैल्यू को दिखा रहा है, याद रखिए इस बात को। ऐसे दिखाते हैं हम लोग वहाँ पे, ये टाइम है, ये इसकी वैल्यू है, ये वेलोसिटी है, ये इसकी वैल्यू है। तो उसकी वेलोसिटी किसके बराबर थी? ओमेगा के बराबर थी, फाइनल बराबर थी। यस और नो? जब टाइम जीरो था वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा नॉट थी। जब टाइम टी था वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा थी। क्या इस इक्वेशन का कर दें इंटीग्रेशन? कर दें इंटीग्रेशंस, क्योंकि डी स्मॉल में है तो पूरा निकाल लेते हैं कितना वैल्यू आएगा। तो लिख लीजिए इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन। भी इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, इसको करो इंटीग्रेट। करना आता है इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। यस आर नो? लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? ओमेगा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है भाई? ओमेगा नोट से ओमेगा तक जा रहा है। यस और नो? ओमेगा नोट से ओमेगा तक। और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? जीरो से टी तक, जीरो से लेके टी तक। यस और नो? व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा? ये ओमेगा होता है इसका इंटीग्रेशन। व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स? एक्स होता है अभी। यस और नो? पता है कि नहीं पता? इसका कितना होगा? ओमेगा कहाँ से कहाँ तक भाई? ओमेगा नोट से ओमेगा तक। अल्फा बाहर निकाल लिया, डी टी का कितना हुआ? टी, जीरो से लेके टी तक। सही है? तो हम क्या करते हैं अभी, लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है? ओमेगा। माइनस लोअर लिमिट? ओमेगा नोट। तो पुट कर दो, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट इज इक्वल टू अल्फा। अपर लिमिट टी है, माइनस लोअर लिमिट जीरो। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ उसको प्रूव करने के लिए? इट इज कैलकुलस मेथड। भी कौन सा मेथड है? ये कैलकुलस मेथड, सिंपल कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग। समझ में आई बात है? यस और नो? कर पाओगे? ये सेकेंड इक्वेशन ये प्रूव कर लेते हैं पहले। क्या थी? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर सेकंड जो आपकी बुक में क्या लिखवा रखी है, थर्ड करवा रखी है, ये पहले प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, कर लोगे तो ये प्रूव करते हैं। इसमें भी क्या आया हुआ है, इसमें अल्फा भी आया हुआ और थीटा भी आया हुआ, तो पहले इसको यूज़ करते हैं। थीटा भी कैसे निकालते हैं हम लोग, बाई यूजिंग एंगुलर वेलोसिटी, थीटा आ जाता है, यस और नो? तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी याद है कि नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, सही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी थीटा, इट इज ओमेगा टी, ओमेगा डी टी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन क्या थी कुछ याद है, जब टाइम जीरो था, व्हेन टाइम इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ओमेगा कितनी थी, ओमेगा नॉट थी, यस और नो? कितना एंगल था भाई, जब टाइम जीरो था एंगल तो कुछ था ही नहीं, बॉडी घूमेगी तो एंगल बनेगा ना, टाइम जीरो मतलब बॉडी वहीं पे थी इनिशियली, थीटा कितना था, जीरो, यस और नो? देखो आपने घुमाना ही बॉडी, इनिशियली कहाँ पे थी, बॉडी रेस्ट पे थी ना, तो एंगल कितना था, कुछ एंगल था ही नहीं उसका, जीरो एंगल होगा, कर लोगे। जब टाइम टी हो गया होगा, टी वेलोसिटी कितनी बन गई, ओमेगा, एंगल भी कुछ ना कुछ बना होगा भाई, घूमेगी होगी तो इट इज थीटा मान लेते हैं, ये चीज़ लिखनी आती है ना क्लास, इसका मतलब ये है, ये वैल्यू के लिए है, ये सॉरी ये टाइम के लिए है, ये इसकी वैल्यू है, ये वेलोसिटी है इसकी वैल्यू है, ये एंगल है ये इसकी वैल्यू है, हम पूरा लिखने की जरूरत नहीं आपको कि टाइम टी, टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, कर लोगे हो जाएगा। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशंस भी, लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसमें देखो अभी इंटीग्रेशन करने से पहले हम कुछ और चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे देखो लिख के, ओमेगा क्या है अभी, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में निकाल भी चुके हैं, लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन भी, उसके बाद कर देंगे इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी क्लास, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी, यही थी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये फ्रॉम फर्स्ट था ना, तो यहाँ से क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आएगा, इस तरफ ले आता हूँ, यस और नो? क्या यहाँ पे पुट कर दूँ ओमेगा की वैल्यू, तो डी कितना आएगा, डी थीटा, ओमेगा कितना है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, यस और नो क्लास? ये रहा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा, यहाँ से निकाल ली फर्स्ट से, यहाँ पे रख दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आप कर दें इसका इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल है थीटा भाई, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर थीटा तक, यहाँ पे लिमिट आ गई जीरो से लेकर थीटा, और यहाँ पे वेरिएबल बन रहा है टाइम भाई डी टी, ठीक है, टाइम कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके टी तक, यस और नो? तो यहाँ पे लिमिट कितना आ गया, जीरो से लेके टी तक, इसका कितना आंसर आएगा भाई, इस वाले का थीटा आएगा, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, जीरो से लेके थीटा तक, कर लोगे। अब ये देखिए दो चीज़ें इसमें, इसको इंडिविजुअल ओपन कर लूँ भाई, इंडिविजुअल कर लेते हैं इंटीग्रेशन इसका, इसको ऐसे ले सकता हूँ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी ओमेगा नॉट डी टी प्लस जीरो से लेके टी अल्फा टी डी टी, चेक करो, मैंने गुणा कर दिया डी टी का दोनों के साथ, और इसको इंडिविजुअल सोल्व कर लिया अभी करेंगे, अभी यही तरीका है, यू प्लस वी कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका कितना वैल्यू आएगा भाई, ओमेगा नॉट बाहर निकाल लूँ, डी टी का कितना आएगा, थीटा जीरो से लेके थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट को बाहर निकाल लिया, डी टी का आएगा टी जीरो से लेके टी,
सही है, प्लस यहाँ से अल्फा को बाहर निकाल लिया, क्या बचा अंदर भाई, टी डी टी, इसका कितना होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई टू, जीरो से लेके टी, टी डी टी बचा हुआ है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स वी, पावर कितनी है इसकी, वन है, फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, यस और नो, इट इज फॉर्मूला ऑफ एक्स की पावर एन भी, एक्स की पावर वन का क्या बनता है, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, पावर वन है यहाँ पे टी की, तो टी वन प्लस वन टू हो गया, डिवाइड बाई वन प्लस वन टू हो गया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आपको इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा तो फिर इसमें फेल हो जाओगे भाई, ये गारंटी है। ठीक है, पुटिंग द लिमिट्स भी, यहाँ पे पुट करो कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू, पुट करो वैल्यूज अगेन, टी माइनस जीरो प्लस टू को बाहर निकाल लूँ अल्फा बाई टू, क्या आएगा टी स्क्वेयर माइनस जीरो का स्क्वेयर जीरो आएगा, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, यस और नो, तो क्या बना भाई, थीटा इज इक्वल टू किसके, ओमेगा टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वेयर, यस और नो क्लास, पूरा हो गई, कौन सा, हाँ सॉरी ओमेगा नोट आएगा यहाँ पे, कर लोगे भाई, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इक्वल टू टू अल्फा टी अल्फा थीटा, अल्फा थीटा भाई, दिस इज थर्ड इक्वेशन क्लास, इसमें फिर से अल्फा आ गया तो अल्फा का यूज कर लेते हैं, तो क्या आएगा, एंगुलर एक्सलेशन क्या होता भाई, एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी थी डी ओमेगा बाई डी टी, यस और नो, डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को ऐसा करते हैं डी थीटा से गुणा करता हूँ और डी थीटा से डिवाइड करता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं आया, इस इक्वेशन को डी थीटा से तो गुणा किया और डी थीटा से इसको क्या कर दिया, भाग दे दिया, लिख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी थीटा, समझ में आया स्टेप, कर लोगे, देखो आपको टॉपिक में स्टेप याद करने होते हैं भाई, क्या करना है इसके बाद क्या करना है, ये तो आएगा जब आप तीन चार बार लिख कर देख लोगे टॉपिक्स को, ये तो भूल जाओगे स्टेप, एक स्टेप भूल गया आगे टॉपिक होना होएगा नहीं, आप टॉपिक करने बैठेगी और पहला स्टेप याद नहीं करना है क्या, आगे निकल देखा दो देखा तो मान जाऊँगा टॉपिक वॉपिक को, तो रट्टा नहीं होता ये स्टेप्स होते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए टॉपिक में ये करना होगा भाई हमको, और ये तब आएगा जब आप रट्टा मान कर चल रहे हो, तो तब आएगा जब आप तीन चार बार लिख के देख लोगे, रट्टा तो लगेगा आपको टॉपिक पॉइंट, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये लिख दिया कि इससे गुना किया इससे भाग दे दिया मैंने इसको, अब क्या करूँगा देखिए, मैं लिख दिया डी ओमेगा के नीचे लिख दिया डी थीटा भी, और यहाँ पे लिख दिया डी थीटा के नीचे लिख दिया डी टी भी, इसके नीचे ये लिख दिया इसके नीचे ये लिख दिया, कुछ फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या किया इसके नीचे ये लिख दिया और इसके नीचे ये लिख दिया, कर लोगे, ये क्या बन गया भाई, ये एंगुलर वेलोसिटी बन गई भाई, इट इज ए एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा इनटू ओमेगा भाई, यस और नो, अब इसको यहां पे ले जाऊं कैसे लिखेंगे, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा भाई, यही लिखा मैंने, चेक करो भाई, इसको यहां पे ले गया, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, यस और नो, फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं, कौन सी कंडीशन भाई, जब टाइम जीरो था तो व्हाट इज ओमेगा भाई, इट इज ओमेगा नॉट, व्हाट इज थीटा, एंगल जीरो था, कर लोगे, जब टाइम टी था व्हाट इज ओमेगा, ये ओमेगा था, व्हाट इज थीटा, ये कोई एंगल था, इट इज थीटा, यस और नो, कर दो इंटीग्रेशन इस इक्वेशन का भाई, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन विद दिस लिमिट, इसको रब कर दूं भाई इस तरफ वाले, yes, ये हो गया, yes, लिखिए इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन,
इंटीग्रेटिंग द अबो इक्वेशन, करो इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है भाई, थीटा में जीरो से लेके थीटा तक, ये सर नो, ओमेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ओमेगा नोट से ओमेगा तक भी, ओमेगा नोट से इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है, ये सर नो। सो करो इसको भाई, अल्फा थीटा आ गया, अल्फा थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके थीटा तक भी, ये हो गया ओमेगा डी ओमेगा भाई, इसकी पावर वन है तो कितना आएगा, ये ओमेगा टू बाई टू, ओमेगा नॉट से ओमेगा भाई, सही लिखा है, पुटिंग द लिमिट्स भी, अल्फा थीटा माइनस जीरो भी, और यहाँ पे वन बाई टू को बाहर निकाल लेता हूँ, ओमेगा स्क्वेयर अपर लिमिट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर लोअर लिमिट भी, सही लिखी मैंने बात, यस और नो। इस टू को यहाँ पे ले आऊँ गुणा करके तो क्या आएगा, टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ये इक्वेशन थी मेरी भी, चेक करो, ठीक है। तुम लोगों ने तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया यहाँ से, दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल सिस्टम भी, एनी प्रॉब्लम क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क भी, टॉर्क क्या होता है ये हमको बताना पड़ेगा। देखो भाई, कोई भी चीज़ को घुमाना है रोटेट करना है तो टॉर्क की जरूरत पड़ती है भाई, ठीक है। टॉर्क चीज़ क्या है भाई, किसी भी रोटेशनल इफेक्ट को देने के लिए टॉर्क चाहिए भाई, ठीक है। एक दरवाज़ा खोल रहे हैं ना आप लोग, ये एक्चुअल दरवाज़ा घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड भी, इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, टॉर्क चाहिए भी। तो बताऊंगा आगे चल के ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि जो काम फोर्स का था किसमें, सिंपल सिस्टम के अंदर, लीनियर सिस्टम के अंदर, वो काम आप किसका है, टॉर्क का है रोटेशन सिस्टम के अंदर, यानी टॉर्क रोटेशन सिस्टम का फोर्स है, क्योंकि हम सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, यस और नो। तो अभी क्या रहा है, फोर्स भी आ रहा है भाई इन रोटेशन सिस्टम भी, नाम क्या है इसका, टॉर्क। सारी चीज़ें वही हैं जो पढ़ लिया, बस कुछ अलग तरीके से भी। तो टॉर्क क्या है लिख लीजिएगा, टॉर्क लिखो, लिखिए इट गिव द टर्निंग इफेक्ट, इट गिव द टर्निंग इफेक्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स, इट गिव द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ओके। आगे लिखिए इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या बनता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताऊंगा अभी क्या होता, सब कुछ प्रूव करेंगे अभी, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका सिंबल होता है टाउ भी, जो मैंने पहले बना रखा है यहाँ पे, टाउ ग्रीक सिंबल, बुक में इसको ऐसे बनाया जाता है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, इतनी बार कितनी बार कौन घुमाए, इतनी बार मैं ऐसे कर लेता हूँ, टाउ टी ओ, टॉर्क का क्या सिंबल है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स का एफ है इंटू सिंपल एक दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। आगे चल के इसको पढ़ाया जाएगा इस तरीके से भी, टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, पूरा करूंगा सब कुछ जो भी उन्होंने लिखा है यहां पे भी, एफ आर साइन थीटा, क्योंकि घूमता है तो रेडियस भी होगा भाई, घूमेगा तो कुछ एंगल भी होगा, कर लोगे, क्योंकि साइन आया हुआ है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, साइन भी यूज किया गया है, इट इज यूज क्रॉस प्रोडक्ट भी, डॉट और क्रॉस पड़ा होगा ना, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा भी, आपको पता भी होना चाहिए कि क्रॉस के अंदर आंसर वेक्टर का आता है, डॉट के अंदर आंसर किसका आता है, स्केलर का आता है,
तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी भी है भी। तो डायरेक्शन तो होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वी, इट यूज क्रॉस प्रोडक्ट वी, सब कुछ जो भी कर रहा हूँ प्रूव करेंगे भी। ये भी इनिशियली इसकी वाक्य बता रहे हैं हम आपको, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि व्हाट इज टॉर्क भी। ठीक है, सही है। यूनिट क्या होगी टॉर्क की क्लास? यूनिट ऑफ टॉर्क न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स और क्या है डिस्टेंस। सही है कि नहीं है? अब देखो भी, कोई भी चीज घुमानी हो मेरे को भी, टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। अब आपने देखा होगा, देखो एक बार ये कर दे ऐसे, ये आर लेंथ का है भी, इस पे मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया तो बहुत इजीली घूम जाएगी रोड़ी ऐसे, यस और नो? जो आपको लिखवाया गया ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस फोर्स के क्या हो परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं। तो यही होगा, फोर्स लगाया गया 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? एफ आर साइन 90 डिग्री भी, और साइन 90 आपको पता है वन वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन 90। तो इस टाइम के अंदर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, यस और नो? तो क्या आंसर आएगा? एफ आर आएगा, ये वन हो गया वैल्यूज भी, कर लोगे? अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लगा दूंगी, ये डिस्टेंस आर है, फोर्स ऐसे लगाऊं, क्या बॉडी घूमेगी? देखो कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, जीरो जीरो। ऐसा कैसे हुआ? ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, ऐसे कितना हो गया? जीरो। और साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है भाई। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, मिनिमम टॉर्क पे। ये दरवाजा है, इसको आप ऐसे फोर्स लगाओ खींच के तो दरवाजा नहीं खुलेगा अभी आपका। ये फोर्स वही बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस है कंप्लीट आर, वहाँ से वहाँ तक ये इसको खींच रहा हूँ ऐसे भी नहीं खुलेगा भाई। कितना टॉर्क होगा यहाँ पे? जीरो जीरो। अगर इसको मैं ऐसे लगाऊं तो दरवाजा इजिली खुल जाएगा, टॉर्क क्या हो चुका है? मैक्सिमम। अगर आपको किसी चीज़ को घुमाना है ना, टॉर्क क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब टॉर्क मैक्सिमम होने के तीन कंडीशन हो सकती हैं अभी, कौन कौन सी? फोर्स को बढ़ा दो, बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस को बढ़ा दो, बढ़ा सकते हैं, एंगल को मैक्सिमम रख लीजिए, कितना वन वैल्यू होनी चाहिए, 90 डिग्री कर देते हैं तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। कर लोगे? ये डायग्राम बनाओ और ये लिखोगे, यहाँ पर टॉर्क क्या होगा? मिनिमम होगा अभी। ये कोई पेंच अभी, इसको खोलना है तो आप क्या करते हो? एक चाबी लगाते हैं इसके ऊपर, यस सर नो? कुछ ऐसी सेफ्टी होती है, सही है कि नहीं है? अब इसको आप घुमाते हो भी, तो घुमाते हो फोर्स कैसे लगता है आपका? ऐसे लगता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ खोलने के लिए। अब क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े व्हील्स के अंदर जब खोले जाते हैं तो बहुत लंबा सरिया यूज़ करते हैं लोग, रोड यूज़ करते हैं, क्या सिंपल प्लास से खुल जाएंगे वो? क्यों नहीं खुलेंगे? क्योंकि उनकी लेंथ कम होगी अभी, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? कम। लेंथ जितनी लंबी यूज करोगे उतना ही टॉर्क क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पेंच खोलने के लिए जितना लंबा आप डिवाइस यूज करोगे उतना ही ईजी हो जाएगा पेंच खोलना आपके लिए। इसलिए क्या करते हैं, बड़े बड़े व्हील्स को खोलने के लिए वो बड़ी सी रोड डालते हैं ऐसे, उस रोड पर खड़े हो जाते हैं 90 डिग्री के ऊपर भी, देखा होगा खड़े होते हैं उनको, तब जाके पेंच खुलता है उसका भी, कर लोगे? तो ये भी क्या है आपका? टर्निंग इफेक्ट है, ये घूमेगा पेंच ऐसे भी, कर लोगे? इसमें भी क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है, फोर्स लगा रहे हो, इसी डिस्टेंस पे लगा रहे हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस,